ये 19 फरवरी को मुरादनगर में एक तांत्रिक आस मोहम्मद की हत्या हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने आके आस मोहम्मद के घर के बाहर ही, जो कि ग्राम जलालपुर है, वहाँ पर उसको, वहाँ पर जब वो आया अपना ई रिक्शा चला के, तो वहाँ पर उसको रोक कर उस पर तलवार से काफ़ी कई वार किए थे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। मुरादनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नया नूरगंज इलाके में लगभग एक सप्ताह पहले दिन दहाड़े एक ई रिक्शा चालक की धारदार तलवार से हमला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। एसएसपी कलानिध नैथनी ने एसपी ग्रामीण ईरज रजा और क्षेत्राधिकारी सदर के एन पांडे को जल्द खुलासा करने के कड़े निर्देश दिए थे। मुरादनगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हत्याकांड का खुलासा कर ही दिया, लेकिन इसमें मैनुअल सर्वेलेंस काफी हुआ और सीसीटीवी फुटेज का भी काफी यूज किया गया, जिससे बाइक और सब चीज़ें हुलिया कन्फर्म हुआ और इसमें लगातार मेहनत करते रही टीम और इसमें बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है सलमान, वो पकड़ा गया है। इसमें हत्या का कारण ये था कि अब इसकी अभियुक्त की जो पत्नी थी, पत्नी इसके पास तांत्रिक, क्योंकि ये है तो इसके पास किसी पूजा पाठ के लिए अपना आई थी, तो उस तांत्रिक ने इसमें ये किया था कि उसको कुछ तावीज़ दिए थे और फिर पत्नी ने इसको बताया कि तावीज़ के बहाने तांत्रिक ने जो है आस मोहम्मद, उसने गलत नीयत से उसको दबोचा भी था और गलत काम करने का प्रयास भी किया था। तो जब ये बात इसको पता चली तो उससे काफ़ी क्षुब्ध हुआ और काफ़ी नाराज़गी में ये वहाँ पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपने घर से प्लानिंग करके गया कि आज मैं इसको मार दूँगा, और ये अपनी तलवार लेके गया। और वहाँ पर जब ये अपना वापस आया ई रिक्शा चला के फल मंडी से, वहाँ पर इसने कई वार किए जिससे इसकी मृत्यु हो गई। हत्यारोपी सलमान ने बताया कि ई रिक्शा चालक आस मोहम्मद कस्मा मुरादनगर में तांत्रिक विद्या का काम करता था, जो कि हत्यारोपी की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और घटना को अंजाम दिया गया। रेडियो इंडिया के लिए मुरादनगर से फायज अली सैफी की रिपोर्ट। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।